हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मेरे सारे काम निपट गए हैं, बस यही काम था बिस्तर ठीक करना, तो ये मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं काम में लगी पड़ी थी। ब्रेकफास्ट बना रही थी और दोपहर के लिए भी मैं बना ही लेती हूँ साथ में, थोड़ा बहुत जो रहता है उस समय दोपहर में बनाती हूँ। ऐसे जनरली मैं सुबह के टाइम में ही बना लेती हूँ। और सारे लोग चले गए हैं, कार्तिक जो है वो स्कूल चला गया है और हस्बैंड जो है लंच लेकर के चले गए हैं और बाबू अभी सो रहा है। तो मैंने इसे उसे इस बेड से हटा करके दूसरे बेड पे रख दिया है अभी, और ये बेड तब तक मैं समेट लेती हूँ। बेड समेटने के बाद मैं उसका मालिश करूंगी, और जब तक वो सोता है तब तक मैं सारा काम फटाफट निपटा लेती हूँ। ये मेरी रोज़ की है आदत। और यहाँ पे देखिए, बाबू सोता है तो उसे बीच रात में जग जाता है, तो उसे कुछ खिलौने चाहिए होता है, तो ये खिलौने बेड पे रख कर ही सोती हूँ उसके सिरहाने पे, कि जब उसे ज़रूरत हो, जब जगे तो खिलौना से खेल ले। और ये यहाँ पर है कार्तिक का ये रिपोर्ट कार्ड है, जो कि प्रेप का है, अभी तो वो 3 में है। ये प्रेप का रिपोर्ट कार्ड है और उसे आलमीरे में सर्च कर मतलब ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था तो उसे दिख गया, तो वो निकाल लिया और देख रहा था रात में, तो देखते देखते सो गया। और यहीं पे मैं अभी थोड़ी ठंड है तो यहीं पे मैं ये क्विक ड्राई सीट लगाई हूँ, और लगाने के बाद हीटर यहीं पे लगाऊंगी और नारियल तेल, डायपर्स सब ला के मैं रख दूंगी, और उसके बाद फिर इसका मालिश करूंगी। अभी इसे थोड़ी सर्दी हो रही है और खांसी भी हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा नहलाती नहीं हूँ, अभी 1-2 दिन नहीं नहलाऊँगी। और ये जो टाइगर है, इसे देखकर वो इतना खुश होता है कि उसे देख पता नहीं क्या उसे समझ में आता है, कि उसे बात करते रहता है देख करके। और अब मैं मालिश करूंगी, सारा सामान मैं इकट्ठा कर ली हूँ, और आज मैं इसे नहलाऊंगी नहीं, सिर्फ पोछ दूंगी ऐसे ही कपड़े भिगा करके। और यहाँ पर मैं इसे मालिश वालिश कर दी हूँ, और विक्स था तो विक्स में लगा दी हूँ, क्योंकि मालिश करने के बाद दूध पीने के बाद ये सोएगा, और जब ये सोएगा तो फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो इसको मैं विक्स बेबी रब आता है तो उससे मैं आगे चेस्ट में और पीछे बैक में लगाती हूँ, और फिर पैर के तलवे में लगा कर ऐसे मौज लगा देती हूँ ताकि हवा नहीं लगे। विक्स लगाने के बाद हवा लगता है तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है। और आप जब भी विक्स लगाएं आप बच्चे को तो ढक दें अच्छे से, ताकि जो अंदर में कफ बन रहा है वो गर्मी से पिघल कर निकल जाए पॉटी के थ्रू। तो यहाँ पर मैं इसे सॉक्स पहना रही हूँ और अब ये सो जाएगा थोड़ी देर में। मैं इसका बेड भी लगा दी हूँ, ये बेड नेट के साथ है और यहाँ पे मच्छर अभी तक कम नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं इसे हमेशा नेट में ही रखती हूँ जब ये सोता है तो। और अभी ये सो गया है बाबू, तो मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ कि जब तक वो सो गया है और जगेगा तब तक मैं इसके लिए कैरेट प्यूरी बना रही हूँ। तो और ये केक कल का बचा हुआ था तो फ्रिज से मैं निकाल दी हूँ, और निकाल करके इसमें से थोड़ा सा काट कर
मैं अलग रख दूँगी, क्योंकि कार्तिक आएगा तो स्कूल से, तो आने के बाद उसे अगर केक खाने का मन होगा तो डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के नहीं मैं उसे दूंगी, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है और खांसी हो सकता है, और अभी कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी उसका एग्ज़ाम आने वाला है, परसों से शुरू है एग्ज़ाम बिना स्ट्रेस है, तो इसलिए मैं इसे बाहर निकाल के रख दे रही हूँ। 2-3 घंटे में ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, और बाकी जो केक है उसे वापस फ्रिज में मैं रख दे रही हूँ। और ये कूरियर अभी अभी आया है, मैंने प्लाजो ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, तो ये अभी अभी आया है, और ये बहुत सुंदर कलर है, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, जॉर्जेट मटेरियल में है और बहुत अच्छा है, फ्लोरल फ्लोरल मुझे बहुत पसंद आया ये, और ये बहुत जल्दी डिलीवर कर दिया, लगता है 3 दिन में कर दिया, ऐसे इसका डेट लिखा हुआ था 6-7 दिनों के लिए, लेकिन ये 3 दिन में कर दिया, और ये बहुत अच्छा है। और अभी मैं नहा ली हूँ, और नहा करके मेरे पास अभी टाइम है, बाबू भी सो रहा है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ और काम जल्दी जल्दी हो जाए, तो मैंने कल शाम में कपड़े धो कर के बाहर पसारे थे, तो इसे मैं समेट लूँगी कपड़े को, और जब सोया रहता है बाबू तो जल्दी जल्दी जितने जितनी जल्दी हो सके सारा काम मैं कोशिश करती हूँ कि निकल जाए, क्योंकि जब वो जगता है तो उसे भी तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने फटाफट ये भी निपटा दी हूँ, और अभी तक मेरा कैरेट प्यूरी जो है वो हो गया होगा, अभी मैं चेक नहीं की हूँ क्योंकि मैं लगातार काम ही कर रही हूँ, तो हमारे कपड़े जो हैं वो थोड़े दिन में तय हो जाएंगे, और मेरा इधर कैरेट प्यूरी भी, कैरेट भी बॉयल हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं उसे प्यूरी बना दूंगी। और ये इसमें जो कार्तिक का स्कूल ड्रेस है वो मैं अभी आयरन कर दूंगी, क्योंकि ये इसे मैं धोबी को नहीं देती हूँ, अपने ही घर में कर लेती हूँ, बाकी सब कपड़े जो हैं वो डेली यूज में जो पहनती हूँ वो तो अपने ही घर में कर लेती हूँ, लेकिन जो बाहर पहन के जाने वाले कपड़े होते हैं या कुछ कुछ और कपड़े होते हैं जो अपने से नहीं हो पाता है उसे मैं धोबी को दे देती हूँ, तो इसमें कार्तिक का स्कूल ड्रेस मैं कभी नहीं देती हूँ, क्योंकि छोटा सा है और खुद भी मैं कर लेती हूँ, और धोबी टाइम पर दे नहीं देगी भी तो होता है, इसलिए फटाफट मैं कर लेती हूँ आयरन। और ये हमारा शर्ट हो गया आयरन, छोटा सा तो शर्ट है, जल्दी से हो जाता है आयरन, इसलिए मैं कर लेती हूँ आयरन। और अब बाबू मेरा जग गया है तो मैं उसे वापस यहीं पे हॉल में ले आई हूँ, और देखिए इसे मच्छरदानी के साथ ही, और अभी 12:30 हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं इसे अभी थोड़ा सा पेपर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है, या फिर कभी कभी रात में भी पढ़ती हूँ, कि सुबह में तो टाइम ही नहीं मिलता, इतना भागा दौड़ी रहता है सुबह में, तो अभी यहाँ पे खेल रहा है और तब तक मैं थोड़ा पेपर पढ़ लेती हूँ।
और वैसे भी मुझे लगता है कि सुबह सुबह पेपर पढ़ के मूड ही ख़राब होता है। इतने मर्डर, रेप, अपहरण, छीना झपटी, इतने सारे चीज़ नेगेटिव चीज़ रहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह न्यूज़ पेपर पढ़ना। कि सुबह आग खुले तो ये मर्डर, तो वो रेप, तो थोड़ा सा सही नहीं लगता है। तो मैं सुबह कोशिश, ऐसा टाइम भी नहीं मिलता है और कोशिश करती हूँ कि सुबह पढ़ूँ भी नहीं, तो दोनों चीज़ हो जाता है। और दोपहर में तो खाली टाइम हो रहता है, तो कुछ ना कुछ तो टाइम बिताने के लिए चाहिए ही होता है। और मेरा जो गाजर है वो पक कर के अब ठंडा हो गया है, तो ठंडा हो गया है तो देखिए कितना अच्छा से पक गया है। अरे इसे मैं अगर थोड़ी देर और अगर नहीं मैं इसे देखती तो ये जल जाता है। तो ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे प्यूरी बना लूँगी। कैरेट प्यूरी ठीक चाव से खाता है, थोड़ा इसमें कैरेट में अपना स्वीटनेस होता है, इसकी वजह से वो इंटरेस्ट से खाता है बाबू। और अब मैं इसे कैरेट प्यूरी खिलाने जा रही हूँ। इसे थोड़ा सा खेल लिया है सोने के बाद, तो इसे भूख भी अच्छी लग रही होगी और ये अच्छे से आराम से खा भी लेगा। तो तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।